दफा जीतर है एक जंगल में हर 200 तस्वर रहते थे। उस जंगल में शेर और लूमड़ी भी रहते थे। हरदोश तो अपनी स्पीच पे बहुत डरू था, वो दूसरों को खुद से कम कर समझता था। एक दिन तस्वीर राम राम से चल के जा रहा था, इतने में हरदोश उसके पास आया और उसके आश्चर्य चलने पर ये उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम कितने आस्था चल रहे हो, देखो मेरे टांगे कितनी खूबसूरत है, मैं तेज चलता हूँ। मेरा हर दोस्त ने कछुए की इतनी इच्छा की, कछुआ बेचारा बहुत परेशान हो गया। कछुआ चलते चलते जा रहा था, लूमड़ी उसके पास आई। लूमड़ी ने कछुए से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? कछुए ने लूमड़ी को सारी बात बता दी। लूमड़ी बड़ी चिल्लाती थी, उसने कछुए से कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हर दोस्त से बतला लेते हैं, क्यों ना हम हर दोस्त से सारे रेस लाएं। पता है हर दोस्त इतना काम चोर है, वो यकीनन हमसे रेस हार जाएगा। ऐसे लूमड़ी चली जाती है और कछुआ भी बहुत खुश हो जाता है। खरगोश मैं आ रहा हूँ। खरगोश लाश खा रहा था, खरगोश के कछुआ के पास आया। तुम्हें इतनी अपनी ताकत पर गुरूर है, आओ आज रेस करते हैं। दोस्त ने फौरन उसकी बात मान ली। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं तुम्हें एक मिनट में हरा दूंगा। फिर अगले दिन उनकी रेस होती है, आज आपकी रेस होगी। उस टैंकी के पास पहले पहुंच जाएगा वो जीतेगा। मैं टैंकी के पास जाके आपका इंतजार करती हूँ। और फिर रेस स्टार्ट होती है। कछुआ तेज तेज चलांगे मारती चला गया। देखते ही देखते कछुए की नजर से होजल हो गया। कछुआ तो अभी आया ही नहीं, क्यों ना मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। तो इस राह उसकी आंख लग गई, लेकिन कछुआ मसलसल चलता रहा क्योंकि उसे हर सूरत में जीतना था। इतने में वो हरदोश के पास पहुंचा। उसने देखा हरदोश सो रहा है, ने सोचा हच्चा मोटा है, और दोबारा आस्था चलने पड़ा। कछुआ मसलसल चलता रहा, चलते चलते वो बहुत आगे पहुंच गया। पीछे मुड़ के देखा कि हरदोश नजर नहीं आ रहा। वो चलते चलते मंजिल के करीब पहुंच गया। मसलसल चलते चलते अपनी मंजिल पे पहुंच गया। लूमड़ी और कछुआ बहुत खुश हो गए और हरदोश का इंतजार करने लगे। इतने में हरदोश की आंख खुली। अभी तो कछुआ आया ही नहीं। और खुशी से सुनाने मारता मारता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचा तो उसने देखा कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ था। हरदोश बहुत परेशान हो गया। मैंने उसे समझाया कि अपनी ताकत पे इतना जरूर नहीं होते। दोस्त ने भी उससे माफ़ी मांग ली। लूमड़ी ने भी उन्हें तो समझाया कि जरूर ऐसा नीचे होता है, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है। उम्मीद है कि आप में
हाँ, मेरी बातों पर अमल करो रे। और फिर हरदोश ने टचवे से माफी मांग ली और वो दोबारा अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, आप उम्मीद है कि आप तो हमारी कहानी पसंद आई होगी। और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।